सोलन में आरटीओ विभाग व आरएलए विभाग की लापरवाही के चलते लोगों को हर माह परेशान होना पड़ रहा है। बीते करीब 3 माह से आरटीओ व आरएलए विभाग द्वारा बकायदा अधिसूचना जारी कर पासिंग व ड्राइविंग टेस्ट की तिथि निर्धारित की जाती है व बीते करीब 3 माह से निर्धारित तिथि पर ट्राई व पासिंग नहीं होती, जिससे पासिंग ट्राई देने वाले लोग परेशान है। ये ही नहीं, पासिंग व ट्राई कैंसिल करने की सूचना भी पात्र लोगों तक नहीं पहुंचती, जिससे लोग सैकड़ों किलोमीटर नाप कर बसाल हेलीपैड ट्राई देने पहुंच जाते हैं। अब प्रशासन को चाहिए कि आरटीओ व आरएलए विभाग की इस तरह की लापरवाही पर उचित कार्यवाही हो, ताकि आम जनता के अमूल्य समय के साथ खिलवाड़ न हो। इतना ही नहीं, विभाग द्वारा सूचना देना भी उचित नहीं समझा जाता, जिससे हर पात्र लोग परेशान है। उन्हें कई कई चक्कर लगाने पड़ रहे हैं व जिस दिन ट्राई होती है उस दिन भी समय पर कर्मचारियों के ना पहुंचने से लोगों को खासी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। सरकार को चाहिए कि इन बेलगाम अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही पर नकेल कसी जाए, ताकि लोग अपनी गाड़ियों की पासिंग व ड्राइविंग टेस्ट को सहजता से बना सके। लैंडलाइन दूरभाष नंबर भी कई बार कॉल करने पर भी कोई नहीं उठाता। लोगों ने इन विभागों की कार्यप्रणाली पर कार्यवाही की मांग की है। लोगों ने बताया, मेरा नाम रोहित है, मैं सुल्तानपुर से आया हूँ। तो मेरा आज ड्राइविंग टेस्ट था यहाँ बसाल में, सोलन जिले के में। तो हमें अभी सूचित किया गया कि यहाँ पे जो ड्राइविंग टेस्ट है वो कैंसिल हो चुका है, जबकि हम इतने दूर से आ चुके हैं और ये 2-3 बार हो चुका है। तो लापरवाही जो होती है प्रशासन की, उसका नतीजा हम आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। तो इसका कुछ तो करा जाए, ताकि हमें या तो पहले सूचित किया जाए, तो वैसे तो ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए, लेकिन पहले सूचित कर दिया जाए हमें कि ड्राइविंग टेस्ट कैंसिल होने वाला है। कि कोई ट्राई नहीं है, अब नेक्स्ट टाइम पता नहीं कौन सी डेट होगी, क्या डेट होगी। इस बारे में आरटीओ ऑफिस से किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई कि आज ट्राई होगी या नहीं होगी। तो मेरा यही कहना है कि ऑफिस से पहले ही ये सूचित कर दिया जाना चाहिए कि आज ट्राई होगी, नहीं तो यहाँ पे मैक्सिमम बहुत से लोग हैं जो कि ट्राई के लिए दूर दूर से आ रखे हैं, परंतु वापिस उनको यूँ ही वहीं जाना पड़ेगा।